जैसे कि हम पढ़ रहे थे अपना टॉपिक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में हमने जो अपने जो वाउल सिंबल है, जो डिफ्थोंग है, मोनोफ्थोंग है, अपने कंसोनेंट सिंबल के जो एग्जांपल है वो हमने लास्ट वीडियोज में कर लिए। इसके बाद में मैंने आपको बोला था कि कुछ फिक्स रूल होते हैं, उन रूल के अकॉर्डिंग हमें कुछ एक वर्ड मिलते हैं जिनका हमारा फिक्स होता है कि ये हमें इसका ट्रांसक्रिप्शन में लिखना है। तो कल वीडियो में हमने पढ़ा था, उसके बाद में और जो कुछ फिक्स वर्ड है उनको मैं आज लेकर के आई हूँ। तो देखो, जैसे मैंने बताया था कि ऐसे ही कोई स्पेलिंग होगी या कोई वर्ड होगा तो उसके लास्ट में, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, किसी स्पेलिंग के लास्ट की बात नहीं है। यहाँ पे हम कर रहे हैं कुछ वर्ड्स हैं उनके बाद में अगर ए डब्ल्यू है, जैसे कि ये रिक्शा, अगर लास्ट में ए डब्ल्यू है ना, लास्ट में ए डब्ल्यू का मैंने बोला है, शुरू में, बीच में, यहाँ कहीं और पे नहीं, लास्ट का बोला है, अंत में, लास्ट में, एंड में। तो जब एंड में ए डब्ल्यू हो तो इस ए डब्ल्यू का बनता है ओ, ठीक है, लॉन्ग ओ, जो प्रनाउंस जो वर्ड है ओ उसमें बोला जाता है। अंतिम में, लास्ट में या एंड में अगर ए डब्ल्यू है किसी वर्ड के तो उस ए डब्ल्यू का ट्रांसक्रिप्शन ओ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कोई स्पेलिंग है, उस स्पेलिंग के लास्ट में ए वाई, मैंने छोटी सी लिखी है देखो ए वाई, तो अगर ये ए वाई है तो इस ए वाई का ए ही होता है, डिफ्थोंग जो हम पढ़ते हैं ए ई डिफ्थोंग, तो ये वाई से वो ई नहीं बन रहा, ये ई अगर वाई से बनता तो अलग हम ये वाला ई लगाते लास्ट में, लेकिन ये हमारा बन रहा है डिफ्थोंग ए ई, इसलिए हमने ये ए ई लिखा है, ये वाला ई है वो नहीं लगाया। इसके बाद में अगर हम बात करें थर्ड, कोई स्पेलिंग जैसे बोल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, उसके लास्ट में ए आर वाई, ये देखो डिक्शनरी, तो अगर लास्ट में जैसे ए आर वाई है तो इसका क्या बनेगा, अरी, ए, जी, अरी। अब देखो हमने वाई से ई बोला है, ये मोनोफ्थोंग है, ये डिफ्थोंग नहीं है, तो जब वाई से हम ई बोलते हैं देन ये वाली ई है वो लिखी जाती है, ये ई हम नहीं लिखते। तो देखो डिक्शनरी हम करेंगे, इन एग्जांपल को भी हम सोल्व करेंगे, जैसे पहले ये देख लेते हैं किसका क्या होगा, कोई स्पेलिंग है, उस स्पेलिंग के लास्ट में सी आई ओ यू एस, क्या है, सी आई ओ यू एस, तो इसका होता है सस, सस, ये वाला श और ये स, ठीक है, सी आई का ये वाला श होता है ओ यू एस, एस, तो ये हो गया सस, तो ये वाला शह फिर ए से डिलीशियस। अब कोई स्पेलिंग है उसके लास्ट में चाहे ए एन सी ई हो या ई एन सी ई हो, ए एन सी ई, ए एन सी ई चाहे ये हो चाहे या फिर ई एन सी ई हो, कोई सा भी हो, क्या बनेगा, अंस, ए, ने, अंस। देखो रेलेवेंस, पर्सिस्टेंस, तो इस प्रकार से चाहे ए एन सी ई हो या फिर ई एन सी ई, होता क्या है, अंस होता है। इसके बाद में देखो ये अपना कोई स्पेलिंग है उसके लास्ट में एम ई एन टी, ठीक है, ये तो किसी स्पेलिंग के लास्ट में लगेगा एम ई एन टी, तो अगर किसी स्पेलिंग के लास्ट में या लास्ट वर्ड भी चलो हम बोल लेते हैं, अगर एम ई एन टी हो, इस एम ई एन टी में ये जो बीच में वाउल है इसका स्वा हो जाता है। देखो बार बार हम वाउल को स्वा बना रहे हैं, तो अपने को चीज ही देखनी है, देखो इस वाउल को स्वा बनाया, ये वाउल स्वा बना, ये ए हो गया, ये ओ हो गया, मंट, ये हो गया, वाउल को हमने स्वा कर दिया, हो गया मंट। अब अगर कोई स्पेलिंग है उसके लास्ट में टी यू आर ई, क्या, टी यू आर ई, अगर ये हो तो इसका च होता है, क्या, जैसे कल्चर हम बोलते हैं, कल्चर आर साइलेंट में जाता है, च का सिंबल ये ए और आर यहाँ ब्रैकेट में, तो ये हो गया च, कल्चर। अगर कोई स्पेलिंग है उसके लास्ट में पी एच ई आर ई, क्या, पी एच ई आर ई अगर हो तो उसका बनता है फियर, एटमॉस्फियर, क्या, फी,
आर ब्रेक में जाएगा फियर, कोई स्पेलिंग उसके लास्ट में एस यू आर ई जैसे प्रेशर, तो क्या बनेगा शय, ये वाला जो शय है ये वाला आएगा आर ब्रेक में लिख दो प्रेशर। तो इस प्रकार से ये जो फिक्स वर्ड है इनके ये ट्रांसक्रिप्शन में लिखे जाते हैं शॉर्ट में, ये फिक्स होते हैं, ये चीज फिक्स होती है। जैसे यहाँ आई, अब हमें जैसे ये पता है सी आई ओ यू एस का सस होगा, ए एन सी ई का अंश होगा, तो इस प्रकार से हम जो चार ऑप्शन अपने पास में आते हैं उनमें से हम आंसर निकाल पाते हैं। देखो अब हम करते हैं इनके जो एग्जाम्पल है उनको सॉल्व करते हैं। रिक्शा, हमें ए डब्ल्यू का पता है कि ओ होगा, कंसोनेंट प्लस आई प्लस कंसोनेंट, हमने जो पहले पढ़ा था ई सिंबल उसमें हमने पढ़ा था कि अगर कंसोनेंट प्लस आई प्लस कंसोनेंट है देन ई इसका सिंबल होगा। तो री शी के का हम कै बोल रहे हैं, कै का सिंबल क्या होता है, री श, एस एच का श ये होता है, मैंने कई बार बताया है एस एच का श, ये जो हम श शंकर से बोलते हैं ये वाला श, तो ये जो एस एच है उसका ये शय होता है और इस शय का सिंबल ये होता है, ये हो गया ए डब्ल्यू का हमें पता ही है रिक्शा। कितना इजी है देखो, री के सी के का के सिंबल के, एस एच का शय ये वाला और ए डब्ल्यू का हमें पता है ओ, देखो कितना इजी है। से ए वाई का हमें पता है ए ही होगा और सह का तो सह होता ही है, सह का सिंबल ये और सेम। डिक्शनरी हमें टुकड़ों में करना, ये नहीं कि हो इतनी बड़ी आ गई स्पेलिंग हम कैसे करें, कंफ्यूज हो गए, कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ए आर वाई का हमें पता है कंसोनेंट प्लस आई प्लस कंसोनेंट, मेनली इसी रूल पे चलेगा। हाँ कुछ एक अपवाद होते हैं कहीं पे अलग अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो देखो कंसोनेंट प्लस आई प्लस कंसोनेंट, डी डी का सिंबल ई की मात्रा हो गया डी, डे का सिंबल डी, इसके बाद में ई की मात्रा डी, डी कै क्या सिंबल ए रहा डिक, टी आई ओ एन का शन होता है, देखो टी आई ओ एन अगर है तो इस टी आई ओ एन का ये शन होगा, जैसे हमने ए टी आई ओ एन करा था, ए शन बनाया था हमने, कल हमने जो वीडियो पढ़ी थी उसके अंदर मैंने क्या बोला था, अगर स्पेलिंग के लास्ट में ए टी आई ओ एन है तो इसका क्या होता है ए शन, ये शय वो ये वाला है ए शन। अब मान लो ए को हटा दो टी आई ओ एन है तो शन इसका होता है, तो ये देखो डिक तक तो आएगा, इसके बाद में क्या है टी आई ओ एन तो शन ये हो गया डिक्शन। ए आर वाई का हमारे पास है अरी, ये हो गया अरी, कितना इजी है डिक्शनरी। इसके बाद में देखो फोर्थ नंबर डिलीशियस, सी आई ओ यू एस का शस हमें पता है, हमें देखना यहाँ कंसोनेंट प्लस आई प्लस कंसोनेंट, हमें ई की मात्रा यहाँ तक है, इस ई का भी क्या है ई होगा, ई अगर कंसोनेंट प्लस ई प्लस कंसोनेंट हो तो कई बार ई की मात्रा आती है कई बार ए की मात्रा आती है, यहाँ पे ई की मात्रा होगी डिलीशियस, डे का सिंबल डी, ई की मात्रा डी ली, ले ई का सिंबल ये हो गया डी ली। अब सी आई ओ यू एस का हमने अभी पढ़ा है शस, तो ये हो गया डिली शस, ए लगा दो या ये हो गया अपना डिली शस। अब देखो ए एन सी ई अंश हमें पता है, हमें यहां तक पूछना है वे का वे होता है ये सिंबल, ये आर ई एल ई कंसोनेंट प्लस ई प्लस कंसोनेंट, मैंने यहाँ पे ई बताया यहाँ पे ए की मात्रा, ये अलग अलग देखो मात्रा होती है, तो कुछ वर्ड हमें प्रोनाउंसिंग में अपने टंग पे हमें सेट करने होते हैं, ये रेलेवेंस होता है, रेलेवेंस क्या रेलेवेंस, रेलेवेंस ए एन सी का तो अंश हो गया, ये ई भी स्वा बनेगा और ये होगा ए की मात्रा, तो कैसे होगा रेलेवेंस, आर रे रे लिख दिया हमने ए की मात्रा रे ले, ये ई है वो स्व हो जाएगा रेले वे
एएनसी का हमें पता है अंश, मैंने अभी बताया क्या हो गया रिलेवेंस। और यहाँ पे स्ट्रेस है वो लॉन्ग प्रोनाउंसिंग वर्ड पे आता है। तो हमें जो चार अपने जो ऑप्शन आते हैं उनमें से हमें इतना यहाँ तक निकालना आ जाएगा। एएनसी का हमें पता है अंश होता है, कहीं पे कुछ और दे देंगे, ये रे है रेलेवेंस। तो इस प्रकार से कुछ स्ट्रेस बेस्ड भी अपने को ऑप्शन मिलते हैं। तो स्ट्रेस के जब हम रूल्स पढ़ेंगे वहां पे स्ट्रेस वाला टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा, जिससे आंसर जो करेक्ट आंसर है वो फाइंड आउट करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। एग्जाम में आपके 100% ये जो फोनेटिक के 5 से 7 क्वेश्चन जो आते हैं वो सही होने वाले हैं। अगर आप वीडियो देखते हो, अगर आप खुद प्रैक्टिस करते हो, देखने से देखो कुछ नहीं होता, आपको प्रैक्टिस भी करनी होती है। पेन अपनी नोटबुक है वो हाथ में रखा करो और थोड़े थोड़े इनको ट्राई भी करनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो यहाँ पे भी क्या है, ENCE ANCE का अंश मैंने बताया, ये क्या है, ये स्वा हो जाएगा, यहाँ ई की मात्रा, कंसोनेंट प्लस आई प्लस कंसोनेंट ई की मात्रा। मैनली मैंने ये बोला है कि कंसोनेंट प्लस आई प्लस कंसोनेंट है तो ई की मात्रा ई की होती है, कई बार एक्सेप्शन में कुछ अलग हो जाता है। तो यहाँ पे पैर, ये हो गया पैर, सिस सै ई की मात्रा, ये हो गया पसिस पसिस्ट, ये हो गया पसिस्ट। यहाँ तक हमने जो मैन स्पेलिंग अपनी कर ली पसिस्ट। ENCE का होता है अंश, ये हो गया पर्सिस्टेंस। और ये स्वा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रेस लगा रहे हैं, हमें सिस बोलने में थोड़ा टाइम लग रहा है और ये जो स्ट्रेस है वो यहाँ पे आ रहा है, इसलिए हमें इससे पहले वाला स्वा करना पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं इम्प्रूवमेंट। MENT का मंट हमें पता है, देखो यहां तक तो हमें पता ही है, इम्प्रूव हम लॉन्ग प्रोनाउंसिंग वर्ड हम ले रहे हैं, प्रूव हम बोलते हैं ना, प्रूव भी तो एक स्पेलिंग है, वर्ड है प्रूव। इम्प्रूव प्रूव, हमें इस पे स्ट्रेस लगाना पड़ रहा है, देखो प्रूव, इम पे स्ट्रेस नहीं आ रहा, प्रूव पे आ रहा है, इम्प्रूव पी आर ओ बड़ा ले रहे हैं तो बड़ा ओ का सिंबल आएगा, ये यहाँ पे स्ट्रेस हम दे रहे हैं, देखो इम्प्रूव इम्प्रूव, ये इम्प्रूव हो गया MENT का मंट, इम्प्रूव मंट, और ये यहाँ पे स्लेंट बार आ गया। इम्प्रूवमेंट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, देखो मैं वापस से ले देती हूँ इसको थोड़ा सा, इम्प्रूवमेंट, और ये यहाँ पे स्लेंट बार बंद, और यहाँ पे ये स्ट्रेस, तो ये हो गया अपना इम्प्रूवमेंट। एटमॉस्फेयर PHERE का हमें पता है फियर, शुरू में ये जो ए है इसका आई सिंबल होता है, मैंने बताया कि शुरू में अगर ए हो, प्रीफिक्स के रूप में अगर ए हो तो उसका स्वा होता है, लेकिन ये प्रीफिक्स के रूप में नहीं है, ये मैन स्पेलिंग अपनी एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे ये आई हो गया एट एट मस ए स्वा एट मस फियर पी ए ओ आर डेफिनेटली एटमॉस्फेयर, क्योंकि PHERE का फियर तो ये तो सेम अपना ही गया एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट देखते हैं, देखो किसी स्पेलिंग के लास्ट में, स्पेलिंग या फिर कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में अगर एस यू आर ई है तो इसका श होता है, प्रेशर, क्या प्रेशर, कंसोनेंट प्लस ई प्लस कंसोनेंट ए की मात्रा आ रही है अपनी, प्रे प आर ई की मात्रा, प्रेशर एस यू आर ई, इसका अपना ये हो ही गया। और ये जो शय है ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर लेकर के जाना होता है, प्रेशर प्रेशर। कल्चर
इसके लिए अगर हम बोले टी यू आर ई तो हम देखो यहाँ पे देखते हैं कल्चर, कोई स्पेलिंग के लास्ट में टी यू आर ई, ये देखो टी यू आर ई चै हो जाता है कल्चर। कंसनेंट प्लस यू प्लस कंसनेंट है तो ये ए, मैंने बताया भी था आपको कंसनेंट प्लस यू प्लस कंसनेंट है तो ये ए होता है। सी से हम कै प्रोनाउंस करें ये कै कल, और टी यू आर ई का हमारे पास है चै तो कल्चर, आर है वो ब्रैकेट में, और ये हो गया स्लेंट बार बंद। तो इस प्रकार से हमें ये जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है इनको, इनका ट्रांसक्रिप्शन हमें करना पड़ता है फोनेटिक्स का। तो ये जो वर्ड होते हैं इन वर्ड को आप टुकड़ों में लेकर के आराम से इनको करोगे तो एकदम इजीली, अगर प्रैक्टिस करते हो, अगर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो ये जो फोनेटिक है वो आपके लिए बहुत ही इजी बन जाएगा, और इसके जो नंबर्स हैं वो बहुत इजीली आप ले सकते हो एग्जाम में। आपके लिए ये प्लस पॉइंट होने वाला है फोनेटिक का टॉपिक। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई है, आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लग रहा है, देन जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहिए, अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।